मामा जी पानी। शारदा जी। रमणीक भाई, आशा करता हूँ कि तूने अपने डिग्री को अच्छे से समझा दिया है कि हमारे घर की परंपरा और नियम की लाज रखे। आखिर रमणीक लाल बापू की भांजी है ये, कल रात को मुझसे झूठ बोलकर डिस्को डांडिया गई। पाप किया है पाप। मामा जी माफ कर दीजिए ना, आइंदा कोई नियम नहीं तोड़ूंगी। ये लो माता जी का प्रसाद बूंदी लड्डू, इससे पाप मुक्ति हो जाएगी। माँ ये बाकी के लड्डू ना मैं कल खाऊंगी, आप इनको संभाल के रख दीजिए। अरे हाँ, लेकिन जा जल्दी जाके सो जा, कल सुबह 4:30 बजे उठ के तैयार होना है ना आरती के लिए, वरना तेरे मामा जी। हाँ माँ पता है। दुर्गा, तुम देखो दुर्गा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तो भूलना ही चाहती हूँ उमंग, लेकिन तुम मुझे भूलने ही नहीं देते हो, जब देखो तब मेरे पीछे आ जाते हो। ए उमंग, यहाँ क्या कर रहा है? दुर्गा मेरी गर्लफ्रेंड है। डोंट वरी डू, मैं सिर्फ दुर्गा से सॉरी कहने आया था और ये प्रसाद खिलाने। सब नाटक बंद कर, जाए से। इट्स ओके प्रतीक, माता जी का प्रसाद है और वैसे भी प्रसाद को ना नहीं कहते। कम ऑन दुर्गा, वी आर गेटिंग लेट। कुछ तो बोलो प्लीज। दुर्गा क्या हुआ? प्लीज गेट अप, डोंट डू दिस। आई थिंक शी इज डेड। व्हाट? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वरुण की दिया? तुझे ये जो डांडिया रास है इसमें बहुत रुचि है नहीं? हाँ सर, एक्चुअली शिफाली के साथ ही क्या था। अच्छा, ऐसा लग रहा है मुझे कि कल तू फिर ऑफिस लेट आएगा, कि आज रात को भी शिफाली को लेकर डांडिया खेलने जाएगा। हाँ मामी। क्या? पर क्यों? मामी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ बाय। क्या हुआ? सर मेरे कजन उमंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों? सर मर्डर का चार्ज लगाया उस पर। सर वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। सर मैं उसे बचपन से जानता हूँ, WWF एक्शन मूवीज इन सबसे वो बहुत दूर रहता था, उसे वायलेंस पसंद ही नहीं था। सर सर ही इज अ वेरी रोमांटिक एंड सिंपल गाय। सर आपको उसे डिफेंड करना ही होगा। 14 अप्रैल 2012 को मेरी और दुर्गा की एंगेजमेंट हुई थी सर, और 6 महीने बाद 5 अक्टूबर को वो एंगेजमेंट तोड़ दी। कारण क्या था इसके पीछे? दुर्गा ने अपने मामा से मेरे बारे में कंप्लेंट कर दी थी सर, कि मैं ड्रिंक्स करता हूँ, रात में पार्टीज करता हूँ और डिस्कोस जाता हूँ एक्सेट्रा। और इस कंप्लेंट में सच्चाई थी या? मैंने में एक आध बार सिर्फ दोस्तों के साथ थोड़ी सी मौज मस्ती। इतनी छोटी सी बात के लिए दुर्गा के मामा ने शादी तोड़ दी, विचित्र बात है।
उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट काफी स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान है। तुम्हारा डिस्को वगैरह जाना, शराब पीना दोस्तों के साथ, क्या ये बातें दुर्गा से छिपाई थी तुमने? दुर्गा से मैं कुछ भी नहीं छुपाता था सर। इनफैक्ट एंगेजमेंट के बाद मैं जब भी डिस्को गया हूँ, दुर्गा हमेशा मेरे साथ थी सर। जो भी हो, दुर्गा की मामा ने जो भी किया हो, एक बार तुम्हें दुर्गा से बात करनी चाहिए थी। उसकी सहमति से ये सब हुआ या किया था सर? एक बार नहीं, कई बार। पर दुर्गा ने हमेशा मेरे इन सवालों को टाल दिया। पर कुछ दिनों बाद में हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता चला कि दुर्गा प्रतीक को चाहने लग गई। जी एक वकील होने के नाते तुम्हें चेतावनी देना उचित समझता हूँ कि अदालत में अगर ये बात आई तो ये दलील रखी जा सकती है कि तुमने इसी उसके दूसरे रिश्ते के चलते प्रतीत से ईर्ष्या के कारण दुर्गा को मारा है। हो सकता है, ये संभव है? नहीं सर, मैं दुर्गा को कभी नहीं मार सकता। सब मैं उमंग को बचपन से जानता हूँ, वो सच बोल रहे हैं। जानता हूँ वरुण, जो व्यक्ति एक मच्छर नहीं मार सकता वो किसी की हत्या क्या करेगा। डोंट वरी, आई विल सी यू इन कोर्ट। योर ऑनर, 15 अक्टूबर की रात उमंग ने दुर्गा को शीरा खिलाया और शीरे के बहाने उसमें टैक्सीटॉन नामक जहर खिलाकर उसको मार डाला। और वैसे तो डेक्सिटॉन इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उमंग ने टेरिफिक पर्पस के लिए यूज किया, दुर्गा को मारने के पर्पस के लिए। मैंने दुर्गा को नहीं मारा सर, मैं निर्दोष हूं। डेक्सिटॉन जो था सर, इस कटघरे में जो भी खड़ा रहता है उसका ये फेवरेट डायलॉग रहता है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया। और पाठक साहब, हर बार आप इस डायलॉग को सच भी साबित कर लेते हैं, लेकिन अफसोस इस बार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 मिनट के अंदर मैं साबित कर दूंगा कि उमंग ही खूनी है, क्योंकि इस बार ना ही मेरे पास बरदोल में गवाह है, लेकिन सबूतों की भी भरमार है। शारदा जी, आपने उमंग पर यह आरोप लगाया है कि उसी ने आपकी बेटी दुर्गा को मारा है, ऐसा क्यों? जिस दिन से दुर्गा और उमंग की सगाई टूटी है उसी दिन से उमंग उसके पीछे पड़ा हुआ था। सुबह शाम बस एक ही बात करता रहता था कि तूने ये रिश्ता तोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, वापस ये रिश्ता जोड़ दे। 5 अक्टूबर दुर्गा और उमंग की सगाई तोड़ी गई थी, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन उमंग बहुत गुस्से में था। मैं सच में इस सगाई तोड़ना चाहती हूँ। ऐसे कैसे तोड़ना चाहती हूँ तुम ये सगाई? ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरा दिल है, मैंने प्यार किया है तुम। ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ रही, मेरा दिल तोड़ रही, एक सच्चे आशिक का दिल तोड़ रही है। यू हैव टू पे फॉर इट, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जय अंबे। चले चल। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है दुर्गा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जी मैं भी वहां मौजूद था और आपने भी देखा कि उमंग ने सबके सामने दुर्गा को जान से मारने की धमकी दी। हाँ, मगर उमंग किसी की जान नहीं ले सकता। योर ऑनर, वरुण जी, जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही बताइए, क्या सबके सामने, आपके सामने उमंग ने दुर्गा को जान से मारने की धमकी दी थी, हाँ या ना? हाँ। वरुण झवेरी, आप उमंग को कितने समय से जानते हैं? सब मैं से बचपन से जानता हूँ, हम एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली। ये मेरे मामा का लड़का है। तो क्या मेरा ये कहना ठीक रहेगा कि आप उमंग को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं? जी हाँ। आपने अदालत में बताया कि जिस दिन उमंग और दुर्गा की मंगनी टूटी उस दिन आवेश में आकर उमंग ने बहुत बुरा भला कहा, क्या उनका ये ऐसा क्रोध, ऐसा ज्वलंत रूप आपने पहले कभी देखा? कभी नहीं योर ऑनर। इनफैक्ट स्कूल में भी जब दो बच्चों के बीच आपस में हाथापाई होती थी तो इससे बर्दाश्त नहीं होता था, ये हमेशा चला जाता था। सोचने वाली बात है योर ऑनर, जिस व्यक्ति को हाथापाई बर्दाश्त न हो वो किसी की हत्या कैसे करेगा? प्राय हमने देखा है कि हम आवेश में आकर बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन वैसा करते नहीं, उन बातों पर अमल नहीं करते। ही
योर ऑनर, अक्सर हमने ये भी देखा है कि इंसान जो कहता है वो करके भी दिखाता है। ऐसे भी तो केसेस देखे हमने पाठक साहब, हैं? और उमंग की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह को यहाँ पे पेश करना चाहूंगा। विद योर काइंड परमिशन सर, दुर्गा का बॉयफ्रेंड प्रतीक। सर यही है, इसी ने मेरी दुर्गा को मार डाला था। I love her madly, sir. I loved her. शारदा आंटी सही कहती है, साई की तरह पीछा करता था उसका। इनफैक्ट एक दिन जब दुर्गा और मैं बाइक पे जा रहे थे तब इसने हमारा रास्ता भी रोका था। ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? Shut up. तू होश में नहीं है, जा इधर से, रास्ता मत रोक हमारा। हटा तो दिया दुर्गा ने। उमंग तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने ये सगाई क्यों तोड़ी है। जानता हूँ क्यों तोड़ी, इस लंगूर की वजह से, है ना? उमंग भूल जाओ कि हमारे बीच कुछ भी था। भूल जाओ, तुम्हें पता है ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, अगर तुम मेरी नहीं हो तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने इन दोनों को कभी बाइक पे एक साथ देखा ही नहीं, तो रोकूंगा कहां से? और मैं क्यों सुसाइड की धमकी दूंगा? ये सरासर झूठ बोल रहा है सर। कमाल है उमंग, जब दुर्गा को मारने की बात हुई तब भी तुम कह रहे थे कि ये झूठ है, खुद मरने की बात जब चल रही है तब भी कह रहे हो कि झूठ है। चलो मान लेता हूँ कि प्रतीक जो भी कह रहा है वो झूठ है, आप सही है, लेकिन वरुण और शारदा जी ने जो कहा वो भी तो सच है। जब तुम्हें पता चला कि दुर्गा ने प्रतीक की वजह से तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें धोखा दिया है, तो पाठक साहब न सिर्फ उमंग के दिल को चोट पहुंची, उसके ईगो को भी चोट पहुंची। और आपने ये डिसाइड कर लिया कि अगर दुर्गा मेरी ना हुई तो किसी की नहीं होगी। और योर ऑनर, शीरे में डेक्सिटॉन मिलाकर उमंग ने दुर्गा को मार डाला। अरे सर, मुझे डेक्सिटॉन है क्या यही नहीं पता, तो मैं लाऊंगा कहां से? हर लॉ कॉलेज का विद्यार्थी ये जानता है कि आईएम जायसवाल यूं ही किसी पर आरोप नहीं लगाता। उनके लगाए गए एक आरोप के अनेक साक्ष्य उनके पास होते हैं। अब ये जो आक्षेप आपने लगाया है उमंग पर, इसे सिद्ध करने के लिए तो भरमार होगी सबूतों की आपके पास। एक आध अगर आप न्यायाधीश महोदय के समक्ष रख दें तो। अरे सीनियर की बात तो माननी पड़ेगी सर, है ना? मेरे पास है ना सर, ये सबसे पहला मेरा सबूत, ये फोरेंसिक रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा गया है कि दुर्गा की मौत डेक्सिटॉन नामक जहर की वजह से हुई है। और वो डेक्सिटॉन दस मिनट में केस जीतने की उत्तेजना में संभवतः आपने मेरा प्रश्न ठीक से सुना नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है तो मुझे मुंह जुबानी याद है। इस केस से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि दुर्गा की मृत्यु डेक्सिटॉन नामक जहर से हुई। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं, और इस बात का क्या साक्ष्य है आपके पास कि उमंग ने ही उस शीरे में डेक्सिटॉन मिलाया था? है ना, इस बात का भी सबूत है मेरे पास कि उमंग ने ही डेक्सिटॉन मिलाया है शीरे में, है। सर ये पॉसिबल है ही नहीं, मैंने कहा ना मुझे पता ही नहीं है डेक्सिटॉन कौन सा ड्रग है, तो मैं कहां से लाऊंगा इसे? और ऑनर, उमंग को डेक्सिटॉन के बारे में कितना पता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उमंग ने डेक्सिटॉन कहां से लाया ये मुझे पता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको जानना चाहते हो आप तो, कि आपके स्वर्गस्थ पिताजी की एक पैथोलॉजी लैब है जो अब लीज पे दिया गया है, और चूंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट है उस लैब में आपका आना जाना चलते ही रहता है, और 15 अक्टूबर की शाम को भी आप उस लैब में गए थे। योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए लैब असिस्टेंट विकास को खटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है सर। 15 तारीख की शाम को लगभग 7:30 बजे जब मैं लैब बंद करने की तैयारी में था तब उमंग सर वहां पर है। थैंक गॉड तुम यहां हो, वरना मेरा काम ही नहीं हो पाता। कैसा काम सर बता दो। सर क्या ढूंढ रहे हो? सर आप मुझे पानी पिला सकते? हाँ ये बात सच है कि 15 तारीख की शाम को मैं लैब में गया था, लेकिन मैं डेक्सिटॉन लेने नहीं, मैं सल्फर लेने गया था। वो भी इसलिए क्योंकि अगले दिन मेरे कॉलेज में मेडिकल एग्जाम थे और उनमें जो स्पेसिफिक मेरे एक्सपेरिमेंट्स थे उसके लिए मुझे सल्फर की जरूरत थी, जो कि मुझे थोड़ी देर से पता चला, इसलिए मैं लैब गया था। पर मैं सल्फर लेने गया था सर, डेक्सिटॉन लेने नहीं। उमंग जी, ये जो विकास है वो लैब का असिस्टेंट है, और जाहिर सी बात है कि उसको सब कुछ पता ही होगा कि कौन सा केमिकल कहाँ रखा गया है। फिर आपने उसको क्यों नहीं कहा सल्फर देने के लिए?
वो इसलिए क्योंकि विकास लैब बंद करने की तैयारी में था और मुझे सल्फर सामने ही दिख गया, तो मैंने उसे एक बोतल में भर के अपनी जेब में रख लिया। दैट्स इट, व्हाट्स द बिग डील? एक मिनट विकास जी, ये आपकी लैब में जो अलग अलग केमिकल्स रखे जाते हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी एक फिक्स्ड जगह होगी। जी सर। जब उमंग ने सल्फर को देखकर कहा कि मिल गया, तो क्या जिस शेल्फ की ओर देखकर वो कह रहा था सल्फर वहीं पे था? जी सर। और ये डेक्सिटोन आपकी लैब में रखा जाता है? सर, सल्फर के पास ही डेक्सिटोन रखा जाता है। जयसवाल साहब, केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ विकास जी से। विकास जी, क्या आपने उमंग को जार से डेक्सिटोन निकाल कर शीशी में भरते हुए देखा? नहीं सर। नहीं देखा योर ऑनर। तो क्या? लेकिन ये योर ऑनर, डेक्सिटोन जो उमंग के घर में उसके कबर्ड में से पाया गया, उसका क्या उमंग? सर, ये मेरी बॉटल है ही नहीं, मुझे पता नहीं किसने रख दी है मेरे कमरे में। सर, मुझे डेक्सिटोन पता ही नहीं है, तो मैं कहां से लाऊंगा ये? सर, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्या हुआ था उमंग। आपने विकास को पानी लेने के बहाने भेजा, और जैसे ही वो पानी लेने गया, आपने बड़े से जार में से डेक्सिटोन निकाला और छोटी वाली शीशी में भर दिया और झट से अपने जींस के पॉकेट में डाल दिया। फिर ये जहर उसने शीरे में मिलाया और वो शीरा दुर्गा को खिलाया। इस बात को साबित करने के लिए एक बार फिर मैं प्रतीक को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। सर, मेरे सामने ही उमंग ने दुर्गा को प्रसाद के नाम पे शीरा खिलाया था, और ये हम सब फ्रेंड्स ने देखा था। शीरा खाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद हम डिस्को डांडिया में गए थे, और वहां पे नाचते नाचते दुर्गा की मौत हो गई। योर ऑनर, एक बात तो अब साबित हो गई है साफ साफ कि दुर्गा ने शीरा खाने के बाद और कुछ भी नहीं खाया। इसका मतलब कि शीरे खाने के बाद ही उसकी मौत हुई है, और उस शीरे में डेक्सिटोन था, जिस डेक्सिटोन को उमंग ने उसकी लैब से निकाला था। उमंग के पास मोटिव ऑफ मर्डर भी था। इसका मतलब कि उमंग ने ही दुर्गा का खून किया है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर योर ऑनर। 10 मिनट और केस ओवर। 2 मिनट। प्रदीप, तुमने दुर्गा जी को उमंग के हाथों शीरा खाते हुए देखा था? यस सर। किंतु तुमने उमंग को शीरे में डेक्सिटोन मिलाते हुए नहीं देखा? नहीं सर। थैंक यू। नहीं देखा मिस्टर। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए गवाह और दलील भले ही मेरे मुवक्किल के विरुद्ध, किंतु प्रोसिक्यूशन के पेश किए गवाहों में से किसी ने भी मेरे मुवक्किल को न डेक्सिटोन प्राप्त करते हुए देखा, ना ही उस शीरे में डेक्सिटोन मिलाते हुए देखा। द्वितीय बात, योर ऑनर, फॉरेंसिक का ये कहना है कि स्वर्गीय दुर्गा जी के स्टमक वॉश के समय उन्हें उनके पेट में से डेक्सिटोन और शीरा प्राप्त हुआ। मेरे परम मित्र आईएम जयसवाल साहब अदालत को ये बताना भूल गए हैं योर ऑनर कि उसी समय में फॉरेंसिक्स ने उनकी पेट में से बूंदी और गुलाब जामुन के अवशेष भी प्राप्त किए थे। फॉरेंसिक्स का ये भी कहना है योर ऑनर कि ये तीनों खाए पदार्थ दुर्गा जी ने 1 घंटे के भीतर ही खाए थे। अगर प्रोसिक्यूशन की बात मान ली जाए कि दुर्गा जी की मृत्यु शीरे में पड़े डेक्सिटोन के कारण हुई थी, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता योर ऑनर कि हो सकता है वो डेक्सिटोन या तो बूंदी या गुलाब जामुन में मिलाया गया हो। तुम्हारा इशारा किस ओर है? जय अंबे। जय अंबे। रमणीक लाल जी, सुना है कि आपको अपनी संस्कृति और संस्कार से बहुत लगाव है। जय अंबे। जय अंबे हाँ या जय अंबे ना? जय अंबे हाँ। ये अदालत है रमणीक लाल जी, यहाँ प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया कीजिए। ये भी सुना है कि आप आजकल के जो नौजवान हैं उनके आचार विचार से बिल्कुल सहमत नहीं है। जय अंबे हाँ। क्या ये भी सच है कि आपको इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि उस शाम दुर्गा प्रतीक और अपने बाकी के नौजवान दोस्तों के साथ में डिस्को डांडिया गई थी? जी, छुपाई थी उसने मुझसे ये बात। आप तो उनके मामा जी थे, क्या आवश्यकता थी उनको आपसे ये बात छुपाने की? क्योंकि मैंने उसे मना किया था ये डिस्को डांडिया में जाना। देर रात तक लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाना मुझे कतई पसंद नहीं है। नवरात्रि के नाम पर
माता की भक्ति का मजाक उड़ाते हैं। शांत हो जाइए रमणीकलाल जी, शांत हो जाइए और ये बताइए कि उसी शाम को आपके आश्रम में माता जी की आरती थी। क्या हुआ था आरती के बाद? बोलो अम्बे माता की जय। आप लोग मुझे इतना मान देते हो तो मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा और मानिएगा। अपनी बेटी भाभी और बहन को नवरात्रि के नाम पर चल रही अश्लीलता का भाग मत बनने दीजिए। उन्हें डिस्को डांडिया में मत जाने दीजिए। वहाँ माता की भक्ति नहीं होती, अश्लील गानों पर विभत्स नाच नाचे जाते हैं, अनैतिक आचरण और चरित्रहीन कार्य किए जाते हैं। इससे माता की भक्ति का अपमान होता है, हमारी संस्कृति का अनादर होता है। अगर आप लोग उन्हें नहीं मना करेंगे तो आप लोग भी उनके इस पाप के भागीदार बन जाएंगे। बोलो अम्बे माता की जय। शारदा, दुर्गा और मैं घर आए और मैंने दुर्गा को उसके मनपसंद बूंदी के लड्डू दिए। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया और सो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता। राइट। रमणीकलाल जी, देखिए अदालत में यहाँ तक तो साबित हो गया है कि दुर्गा जी ने शीरा खाने के बाद और कुछ नहीं खाया था, लेकिन अभी अभी आप कह रहे हैं कि शीरा खाने के पहले उन्होंने लड्डू खाए थे, जो फोरेंसिक भी कहती है। हो सकता है ये टैक्सीटोन शीरे में नहीं लड्डू में रहा हो जो आपने उन्हें खिलाया था। हो सकता है वो टैक्सीटोन आप इन्हें डाला हो लड्डू में। मैं ऐसा क्यों करूंगा? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर हमें दुर्गा जी की माता जी और रमणीकलाल जी की बहन यहां कटघरे में आकर दें। शारदा जी, आपके भाई रमणीकलाल जी ने दुर्गा को डिस्को डांडिया में जाने से मना किया था। क्या यह संभव है कि उन्हें पता चल गया हो कि दुर्गा अपने दोस्तों के साथ वहां गई थी और इसीलिए उन्होंने दुर्गा की हत्या की हो? क्या संभव है? वो नहीं। देखिए शारदा जी, मेरी जानकारी के अनुसार आप ही के परिवार में आपके भाई ने अपनी ही पुत्री की हत्या की थी। गांव में जिस केस को दबा दिया गया था, क्या ये सत्य है या नहीं? देखिए शारदा जी, यहाँ आपकी स्वर्गवासी बेटी को न्याय दिलाने का प्रश्न है, आपके अपने आत्मसम्मान आत्मा को जीवित रखने का प्रश्न है। सच सच बोलिए, ऐसा हुआ था या नहीं, ये आम जानकारी है। हाँ, रमणीक भाई ने अपनी कुंवारी जवान बेटी को खाने में छेद देके मार डाला था। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्यों किया था उन्होंने ऐसा? क्योंकि उसकी बेटी रात को अपने दोस्तों के साथ डिस्को डांडिया खेलने जाती थी और वो पेट से थी, और बदनामी से बचने के लिए उसने बच्चा भी गिरा दिया था। मारा नहीं, आहुति दी है मैंने अपनी बेटी की। माता की भक्ति के नाम पर माता के साथ छल किया था उसने। उसने पाप किया था और उसे मुक्ति दिलाना जरूरी था। मैंने उसे पैदा किया था और उसे नष्ट करने का अधिकार भी मेरा था। मेरे साथ सहमत था। योर ऑनर, जब एक व्यक्ति अपनी ही पुत्री की बलि चढ़ा सकता है तो अपनी भांजी की हत्या क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दुर्गा मुझसे झूठ बोल रही है। झूठ आप बोल रहे हैं रमणीकलाल जी, आपको दुर्गा के झूठ के बारे में पता चल गया था, इसीलिए आपने उसे मारा। नहीं मारा नहीं, क्या कहा था आपने? आहुति दी। आप ही का तीर आप पे चला रहा हूँ। क्या ये जो बूंदी का लड्डू जो मामा जी ने दुर्गा को खिलाया, उस बूंदी के लड्डू में किसी ने मामा जी को टैक्सीटोन मिलाते हुए देखा? Oh, shut up. Your Honor, प्रोसिक्यूशन की इस बात का मेरे पास ना तो कोई साक्ष्य है ना साक्षी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस डिब्बे से इन्होंने लड्डू खिलाया था वो डिब्बा अभी भी इनके घर पे होगा। मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि उस डिब्बे को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मेरी अदालत से एक और विनती है, रमणीकलाल बापू ने इस अदालत में अभी अभी जो इकबाल जुर्म किया है, उस इकबाल जुर्म के आधार पर इन्हें हिरासत में लिया जाए और इन पर इनकी बेटी की हत्या का मुकदमा चलाया जाए। यह अदालत रमणीकलाल बापू को
फौरन हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई करने का हुक्म सुनाती है। लेकिन योर ऑनर पूरे गांव के सामने फैसला हुआ था। कैसी प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है अपनी बेटी की हत्या करके? ले जाइए इन्हें। पूरा पंचायत में फैसला हुआ था। गांव मेरा साथ था। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। मैं प्रतीक की पूर्व प्रेमिका रिधिमा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है? रिधिमा जी, दो ठोस कारण थे आपके पास दुर्गा जी की हत्या करने के। पहला ये कि 14 तारीख हत्या के एक दिन पहले वो जिस डांडिये में गई थी वहाँ उनको पुरस्कार मिले थे, बेस्ट डांसर का भी और बेस्ट ड्रेस पार्टिसिपेंट का भी, जो आपको लग रहा था कि आपको मिलने चाहिए। इसी के चलते आप क्रोधित हो गई थी और आप दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। बहुत बुरा भला कहा था आपने, क्या ये सच है? Yes, so we had a cat fight. I was jealous. और केवल इतना ही नहीं, आपकी ईर्ष्या का एक और कारण था, दुर्गा का उस समय का प्रेमी प्रतीक पहले आपका प्रेमी, आपका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। या ट्रू, प्रतीक वाज क्रेजी अबाउट मी बिफोर ही मेट दुर्गा। मैं भी प्रतीक से बहुत प्यार करती थी, पर जब उसने मुझे दुर्गा के लिए डिच किया, आई वाज वेरी अपसेट। ईर्ष्या ये कारण काफी होता है रिधिमा जी किसी की हत्या करने के लिए। व्हाट नॉनसेंस, मैं क्यों मारूंगी उसे? इनफैक्ट मैंने उसके साथ पैचअप कर लिया था 15 तारीख की डांडिया फेस्ट नाइट में। फर्स्ट राउंड ऑफ गरबा के बाद मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ फूड स्टॉल पर गई थी। वहां मैंने प्रतीक और दुर्गा को साथ देखा। एक्सक्यूज मी, डोंट बी स्टंड, ये गुलाब जामुन प्रतीक के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। यस्टरडे वी हैड अ कैट फाइट, बट देन आई रियलाइज्ड कि गलती मेरी थी। लाइफ में हारना भी सीखना चाहिए। हमारे बीच की कड़वाहट खत्म करने के लिए क्यों ना कुछ मीठा हो जाए? नहीं थैंक यू। ओह कम ऑन यार, थोड़ी मोटी हो जाओगी तो कल शायद मैं जीत जाऊं। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो मैं तुमको भी मोटा करूंगी। I'm so happy. Same here. सर रिधिमा झूठ बोल रही है, सिर्फ इसी ने दुर्गा को गुलाब जामुन खिलाया था, दुर्गा ने नहीं। हो सकता है प्रतीक जी की रिधिमा झूठ बोल रही है, लेकिन आप भी सच्चे व्यक्ति नहीं हैं। आपने अपने कथन में कहा था कि शीरा खाने के बाद दुर्गा ने और कुछ नहीं खाया। सॉरी सर, ये बात दिमाग से निकल गई थी। अपेक्षा करता हूँ कि इसके बाद जो हुआ वो बातें अब भी आपके दिमाग में होगी। क्या हुआ था इसके बाद? फिर हम वापस डांडिया खेलने गए थे सर, और वहां पर दुर्गा को चक्कर आ रहे थे और उनका देहांत हो गया। योर ऑनर, अदालत में अब तक ये बात साबित हो चुकी है कि शीरा खाने के पहले और शीरा खाने के बाद दुर्गा जी ने कुछ न कुछ खाया था। ये पूरी तरह संभव है कि जो गुलाब जामुन रिधिमा ने दुर्गा को खिलाया था, उसी गुलाब जामुन में रिधिमा ने डेक्सीटोन मिलाया होगा। अटक साहब, छोटा सा सवाल, वही जाना पहचाना वाला, रिधिमा ने जो गुलाब जामुन खिलाया उस गुलाब जामुन में प्रतीक ने या किसी ने भी रिधिमा को डेक्सीटोन मिलाते हुए नहीं देखा है? यार तीन व्यक्ति इस केस में जिनके पास ठोस कारण दुर्गा की हत्या का, तीनों ने दुर्गा को उस रात कुछ न कुछ खिलाया था। दुर्भाग्यवश टेक्सीटोन जो इस केस का शस्त्र है, किसी ने भी उन्हें डेक्सीटोन मिलाते हुए नहीं देखा। इसीलिए मैं अदालत से आग्रह करूंगा योर ऑनर कि डिफेंस को तफ्तीश करने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए। यह अदालत डिफेंस और प्रोसिक्यूशन को यह हिदायत देती है कि वो अपने गवाह और सबूत जमा करें ताकि दुर्गा मर्डर केस में जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। केडी सर, डांडिया महोत्सव का फुटेज मिल गया। दुर्गा वहां प्रतीक के साथ डांस करे, वो देखो उमंग कैसे दुर्गा को प्यार से देख रहा है। पॉज कर, पॉज कर, जूम कर जरा, ये तो अरुण पाटिल है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में योर ऑनर, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब पाठक साहब, लेकिन आप कुछ भी बोलने के लिए अपना मुंह खोले उसके पहले मैं योर ऑनर, ये जो लड्डू है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें साबित हो चुका है कि ये जो बूंदी के लड्डू मामा जी ने दुर्गा को खिलाए थे उसमें डेक्सीटोन है ही नहीं, सिर्फ शुद्ध घी और शक्कर है ना।
योर ऑनर, इससे पहले कि जयसवाल साहब की बातों से मुझे डायबिटीज या अन्य कोई भयानक बीमारी हो जाए, मैं अपने अगले गवाह को कटघरे में बुलाना चाहूंगा, मिस्टर अरुण पाटिल। जी, मेरा नाम अरुण पाटिल है और मैं कैटाई डिटेक्टिव एजेंसी के लिए बतौर डिटेक्टिव काम करता हूँ। 15 तारीख की रात जब दुर्गा की मृत्यु हुई, आप भी वहाँ घटनास्थल पर उपस्थित थे? जी हाँ। कृपया कर अदालत को बताइए कि क्या कार्यशैली थी आपकी वहाँ, क्या कर रहे थे आप? जी, मुझे दुर्गा को फॉलो करने का असाइनमेंट दिया गया था। क्या क्या जानकारी प्राप्त की आपने दुर्गा के बारे में? दुर्गा अपने घर के बेडरूम के खिड़की से नीचे छुपते छुपाते डिस्को डालने के लिए निकली, मैं तभी से उसका पीछा कर रहा हूँ। और वहीं से वे डांडिया महोत्सव के लिए पहुंचे और ब्रेक के दौरान रिधिमा दुर्गा के पास आई, उनके आपस में कुछ बातचीत भी हुई और उन्होंने आपस में एक दूसरे को गुलाब जामुन भी खिलाया। हिट विकेट। सॉरी योर ऑनर, ये क्या कर दिया पाठक साहब आपने? आप ही के गवाह को बुलाकर अपनी ही डंडी गुल करवा दी। आपने तो रिधिमा पे आक्षेप लगाया था कि उसने गुलाब जामुन में डेक्सिटॉन मिलाकर दुर्गा को खिलाया था, जबकि आपका गवाह खुद कह रहा है कि दुर्गा और रिधिमा दोनों ने एक दूसरे को गुलाब जामुन खिलाए थे उसी प्लेट में से। तो योर ऑनर, अगर उस प्लेट में जो गुलाब जामुन थे उसमें डेक्सिटॉन था और वो रिधिमा ने भी खाया था, तो आज वो यहाँ पे अदालत में कैसे मौजूद हो सकती है? क्या बात है जयसवाल साहब, दाद देता हूँ आपके नजरे की। अब अगर आपका टोकना शेष हो गया हो तो मैं मिस्टर पाटिल से एक शेष प्रश्न कर लूं। हाँ यस। मिस्टर पाटिल, किसके कहने पर आप दुर्गा पर छानबीन कर रहे हैं? प्रतीक के पिताजी मिस्टर राजेश, वो मेरे क्लाइंट थे। राजेश जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि आपने अपने बेटे की प्रेमिका के पीछे ये डिटेक्टिव क्यों लगवाया? मुझे पता चला कि प्रतीक जितना सीरियस है दुर्गा के लिए, दुर्गा उतनी नहीं थी। तो जब ये बात मैंने प्रतीक को बताई तो उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ कहीं पर, इसीलिए मैंने इस चीज को कन्फर्म करने के लिए मैंने डिटेक्टिव पाटिल को हायर किया। तो आपका ये जो संदेह था कि आपका बेटा प्रतीक दुर्गा से जितना प्यार करता है, दुर्गा उससे इतना प्यार नहीं करती है, संभवतः किसी और को चाहती है, इस संदेह ने जब सच्चाई का रूप ले लिया और साक्ष्य के रूप में जब मिस्टर पाटिल ने वो तस्वीरें, दुर्गा और निखिल की तस्वीरें आपको लाकर दिखाई, क्या आपने वो तस्वीरें अपने बेटे प्रतीक को दिखाई थी? जी नहीं, इनफैक्ट वो तस्वीरें मैंने खुद भी नहीं देखी, क्योंकि 15 तारीख को जब डिटेक्टिव पाटिल मेरे ऑफिस आए तो मैं खुद वहां नहीं था। आप एक काम कीजिए कि वो एनवलप जो है वो मेरे डेस्क पर रखते हैं। धन्यवाद राजेश, बैठिए। पाठक सर, एक छोटा सा सवाल और, बता सकते हैं कि राजेश जी को आपने अदालत में क्यों बुलाया और उनके और उनके बेटे ने क्या ऐसा गलत काम किया है? जयसवाल साहब, चिंता मत करिए, जब तक आपके हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे देता, मैं वचन देता हूँ आपको कि पानी की बूंद तक नहीं पीऊंगा। बस 10 मिनट। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं आपको ये दो तस्वीरें देखने का कष्ट दूंगा। प्रथम तस्वीर में जब दुर्गा डांडिया महोत्सव जाने के लिए अपने शयन कक्ष के खिड़की से भाग रही है, उस समय आप देख सकते हैं कि वो सलवार कमीज पहनी हुई है, परंतु दूसरी तस्वीर जो उनकी मृत्यु के ठीक बाद ली गई थी उसमें घाघरा चोली पहनी हुई है। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि दुर्गा ने अपने कपड़े कहाँ और कब बदले? इतना सिंपल सा सवाल, उसके लिए क्या टाइम वेस्ट करना? हो सकता है कि वो क्लब के क्लोक रूम में उसने कपड़े बदले हो योर ऑनर। जैसा साहब, आपकी एक जगह टिकती नहीं, आप यूं फुदकते रहते हैं। योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि आप ये दो तस्वीरें भी देखें। प्रथम तस्वीर में प्रतीक की गाड़ी उसी के बंगले सूर्योदय के बाहर खड़ी है। उस तस्वीर में दुर्गा अपनी दो सहेलियां आयुषी और मयूरी के साथ अंदर जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तीनों ने सलवार कमीज पहनी है, किंतु दूसरे तस्वीर में जिसमें तीनों बाहर आ रही हैं, तीनों ने घाघरा चोली पहनी है। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि तीनों ने कपड़े प्रतीक के बंगले सूर्योदय में बदले थे।
प्रतीक जी, ऐसा लगता है कि दुर्गा की मृत्यु का असर सीधा आपकी मगज पर हुआ है। अब देखिए ना, आपने अपने कथन में बताया था कि केवल रिधिमा ने दुर्गा को गुलाब जामुन खिलाया, किंतु जो तस्वीर मैंने अभी जज साहब को दी उसमें तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और हमारे माननीय अभियोग पक्ष महोदया ने भी हमें ध्यान करवाया इस बात का कि दुर्गा ने भी रिधिमा को खिलाया था गुलाब जामुन उसी प्लेट से, याद आया? हाँ, एक्चुअली जब रिधिमा ने दुर्गा को खिलाया था शायद उसके बाद। चलिए, आपकी इस बात को हम सच मान लेते हैं इस समय के लिए। ये बताइए कि ये सूर्योदय नामक बंगला किसका है? ये बंगला मेरे डैड का। तो आप दुर्गा को उसकी दो सहेलियों के साथ अपने डैड के बंगले पर लेकर गए थे, ये बात आप अदालत को बताना भूल गए या छिपा कर रखी आपने? ना तो कोई छिपाने वाली बात थी, ना तो कोई बताने वाली बात थी। चलिए, आपकी ये बात भी मान लेते हैं। ये बताइए कि बंगले के अंदर प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, या what happened? वो तीनों ने जाके ड्रेस चेंज कर लिया और उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के निकल गए। योर ऑनर, क्यों ना हम दुर्गा की सहेली आयुषी को यहाँ कटघरे में बुलाकर प्रतीक जी की इस बात की पुष्टि कराएं। एक्चुअली रास्ते में प्रतीक को याद आया कि वो अपने डिस्को डांडिया के पास घर पर भूल गया है, तो ही सजेस्टेड कि हम तीनों उसके घर पे जाके कपड़े चेंज कर लें। फिर क्या हुआ? यूके क्या हुआ? क्या हुआ? इधर क्या हुआ? यूके एक सेकेंड, मैं नींबू पानी लेके आता हूँ, रुक जाओ। आयुषी जी, बस इतना ही हुआ था या कुछ और घटना भी घटी थी? टेक योर टाइम, सोच विचार के जवाब दीजिएगा। जब दुर्गा नींबू पानी पीने के बाद खाली ग्लास प्रतीक को देने गई तो उसके हाथ से वो फिसल गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। फटाफट प्रतीक ने वो उसके टुकड़े इकट्ठा करके एक प्लास्टिक बैग में डाले और बाहर जाके फेंक गया। प्रतीक, बुरा मत मानना, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी मानसिक चिकित्सक से चिकित्सा करवानी चाहिए, तुम्हारी स्मरण शक्ति। हाँ, तुम भूल गए कि तुमने दुर्गा को नींबू पानी पिलाई थी, भूल गए थे या बताना नहीं चाहते? उमंग वाला शीरा खाने के बाद दुर्गा को चक्कर आने लगे, तो इसलिए मैंने उसे नींबू पानी पिला दिया। तो सबको नींबू पानी पिलाया। तो ये बात याद थी तुम्हें, बताया क्यों नहीं आप? ए भाई, पानी नींबू पानी पिलाया तो पिलाया, तेरे प्रतीक को क्यों पानी पानी कर रहे हैं? केड़ी, इन सब बातों से तुम क्या साबित करना चाहते? योर ऑनर, दो बातें सिद्ध करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम ये कि प्रतीक के पास दुर्गा को मारने का कारण था, द्वितीय ये कि प्रतीक ने ही दुर्गा को मारा। नो 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 नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रतीक तो बेचारा दुर्गा से बहुत प्यार करता था, योर ऑनर, उससे शादी भी करने वाला था, वो क्यों मारेगा दुर्गा को? क्योंकि प्रतीक जी ने दुर्गा और निखिल की वो जो प्रेम प्राकरण वाली जो तस्वीरें थी, जो मिस्टर पाटिल ने खींची थी, वो देख ली थी इन्होंने। नो सर, मुझे इन फोटोग्राफ्स के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता आपको? चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि 15 तारीख के दोपहर आप अपने पिताजी राजेश जी के ऑफिस गए थे या नहीं? हाँ जी, गया था, पर वो नए कमीज खरीदने के लिए पैसे लेने के लिए गया था। और जब पैसे लेने गए तो वहाँ आपको आपके पिताजी नहीं मिले, कुछ और मिला, फोटोग्राफ्स, तस्वीरें? जयसवाल साहब देखिए ना, प्रेम भरी स्थिर चित्र है, रोमांटिक फोटोज, वेरी रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। लेकिन इस बात को मैं कैसे मान लूं कि आप जो कह रहे हैं कि प्रतीक को उसके ऑफिस, डैड के ऑफिस से तस्वीरें मिली थी, ये बात सच है? योर ऑनर, ये प्रेम से भरी तस्वीरें ये हमें प्रतीक जी के अलमेरा से ही प्राप्त हुई हैं, मेरे सहयोगी वरुण की सहायता से। योर ऑनर, ये तस्वीरें 14 तारीख की, 15 तारीख दोपहर को जब प्रतीक जी को ये पता चला कि दुर्गा जी इन्हें छोड़कर, इन्हें झूठ बोलकर निखिल के साथ डांडिये में रंगरलियां मना रही हैं, तब इनसे रहा नहीं गया। केवल इनके दिल को नहीं, इनके स्वाभिमान को, इनके ईगो को भी चोट पहुंची और इन्होंने दुर्गा को जहर देकर दुर्भाग्यवश मार दिया। Please prove it. Your Honor, Mr. जायसवाल के प्रश्न का उत्तर मेरे सहायक वरुण के पास है, जो इस वक्त अदालत के बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है।
योर ऑनर, ये उसी ग्लास के टूटे हुए टुकड़े हैं जिसमें प्रतीक जी ने दुर्गा को नींबू पानी पिलाया था। योर ऑनर, डेक्सीट्रॉन स्वयं में जहरीला नहीं होता, उसे जहरीला बनने के लिए एक वाहक, एक कैरियर की आवश्यकता पड़ती है, और वो कैरियर साइट्रिक एसिड है। योर ऑनर, डेक्सीट्रॉन साइट्रिक एसिड के साथ मिलते ही तुरंत विष बन जाता है। साइट्रिक एसिड, फॉर योर इंफॉर्मेशन मिस्टर आई एम जायसवाल, मिठाई में नहीं, संतरों में, मौसम्बी में, या फिर नींबू में मिलता है। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रतीक ने नींबू पानी में डेक्सीट्रॉन मिक्स किया था? मैं नहीं, फोरेंसिक की रिपोर्ट कहती है। योर ऑनर, ग्लास के टूटे हुए इन टुकड़ों के अंदरूनी भाग पर डेक्सीट्रॉन और साइट्रिक एसिड के अवशेष पाए गए हैं, और इसके बाहरी हिस्से पर प्रतीक जी और दुर्गा जी की उंगलियों के निशान। जसवंत साहब, विषय को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोरेंसिक को साइट्रिक एसिड और डेक्सीट्रॉन के अवशेष के साथ साथ दुर्गा की लार भी उस ग्लास में मिली है। इसका अर्थ ये हुआ, प्रतीक जी की सूर्योदय बंगले में आपने दुर्गा जी का सूर्यास्त कर दिया। अच्छा नहीं किया आपने। हाँ, मैंने मारा दुर्गा को। मैं अपने डैड के खिलाफ जाकर उससे शादी करने को तैयार था, पर उसने मुझे धोखा दिया। जब मैंने निखिल और दुर्गा की तस्वीरें देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे मार डाला। और अपने आप को बचाने के लिए मैंने डेक्सीट्रॉन की बॉटल जाकर उमंग के कबर्ड में छुपा दी। डिफेंस रेस्ट चलो। यह अदालत प्रतीक जोबन पुत्रा को दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म सुनाती है और मिस्टर उमंग शाह को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.